लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मूसलाधार बारिश से मुंबई पर आफत, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पुल बंद, रेल की पटरियां डूबी। मुंबई में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, हाई फोटो, खास बातें। मूसलाधार बारिश से मुंबई पर आपत, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पुल यातायात के लिए बंद। मुंबई मुंबई में बीते शुक्रवार से ही हो रही भारी बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश होने के कारण आज कई जगहों पर जल जमाव हो गया और कुछ मार्गों पर रेल पटरियां पानी में डूब गई। मुंबई यातायात पुलिस के मुताबिक एहतियाती उपाय के तहत घाटकोपर इलाके में एक रोड ओवर ब्रिज को यातायात गतिविधि के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसा इसके एक खंभे में दरार देखे जाने के बाद किया गया। यह भी पढ़ें, मुंबई में भारी बारिश के बाद चिंचोटी झरने में फंसे 106 लोगों को बचाया गया। एक की मौत, मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि घाटकोपर पुल के नीचे से लंबी दूरी की और स्थानीय ट्रेनें गुजरती हैं और पिछले सप्ताह अंधेरी में पुल गिरने जैसी एक घटना से बचने के लिए इसे बंद करने का निर्णय लिया गया। कल रात से शहर और उपनगरों में लगातार भारी बारिश के कारण कई सड़कों पर पानी भर गया है और कुछ जगहों पर रेल की पटरियां डूब गई हैं। यह भी पढ़ें, मुंबई में आपत की बारिश से लोगों का जीना मुश्किल, अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी। बारिश के कारण परेल, धारावी, माटुंगा और मुंबई में किंग सर्कल और दिवा, डोंबिवली, कल्याण और अंबरनाथ सहित पड़ोस के ठाणे जिले के शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति है। मौसम विभाग ने महानगर और पड़ोसी ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों में दिन में बाद के समय में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने कल भी शहर में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विधिर, मुंबई में भारी बारिश से पुल धंसा। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में शनिवार को अगले 5 दिन तक भारी बारिश होने की बात कही थी।